नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। खबर लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी सदर से उत्कर्ष वर्मा सपा पार्टी के पूर्व विधायक हैं। उनका कहना है कि मेरा मुद्दा सिर्फ विकास करना है, मेरी सरकार द्वारा किए गए कार्य का विरोधी पार्टियां केवल फीता काटने का कार्य कर रही है। आइए हमारे संवाददाता मांशु बाली की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। विधायक जी बताइए, क्या मुद्दा है आपका जो आगे? मुद्दा चुनाव का विकास का है और जो समाजवादी पार्टी की घोषणाएं हैं सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी की, उनको लागू कराना है। जैसे 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, और ये जो मोहल्ला है जहां सभी समाजवादी पार्टी के साथी सब दौरा कर रहे हैं, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस पूरे मोहल्ले को डूडा से नया सवेरा योजना में इसमें बजट लाया गया था 5-6 करोड़ रुपए, और सब इंटरलॉकिंग नाली सब बनाई गई थी माननीय नगर विकास मंत्री जी श्री आजम खान जी के द्वारा, और उसके बाद 5 साल के बाद एक ईंट इस मोहल्ले में नहीं लगी है। इसीलिए अब जो काम शेष रह गया है, जो विकास के काम शुरुआत करी गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उनको फिर से शुरू किया जाएगा। पिछली सरकार बहुत दावे कर रही है, पिछली सरकार झूठी है सब।